जब जब भारत अखंड हुआ है तब तब भारत का मस्तक ऊंचा उठा है, और जब जब भारत खंडित हुआ है भारत का झंडा नीचे झुका है। चाणक्य ने जब अखंड भारत की नींव स्थापित की और उस समय जो स्थितियां बनी थी, और चंद्रगुप्त ने जब अखंड भारत की बागडोर संभाली थी, उस समय ही भारत ने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की और विदेशी ताकतों ने मात्र यही एक मात सूता सोचा था, जब तक भारत अखंड रहेगा कोई भी व्यक्ति भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहली नीति अपनाई, भारत को खंडित करो, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो। फूट डालो और राज्य करो वाली बात अंग्रेजों ने नीति बना करके, और हम अखंड से टूटते गए। उनकी मुंह चोपड़ी लोमड़ी जैसी चटुकारताओं में कुछ हमारे देश के महान जो धुरंधर लोग थे वे बहते गए और हम टूटते गए, और टूटने का परिणाम ये निकला कि हम गुलाम हो गए। जब भारत खंडित होने की स्थिति में था उस समय दक्षिण भारत से वास्को डी गामा ने प्रवेश किया था। उस समय दक्षिण भारत के समुद्री किनारों की रानी थी जैन रानी, उसका नाम अलग आया है, अभी बॉम्बे कोई ऐसा नाम था, वो जैन रानी थी। उसने जाकर के वास्को डी गामा को मूर्छा लिया था, और वास्को डी गामा ने उन्हीं जनता में से जो गणमान लोग थे उनको व्यापार का रूप दे करके और अपनी नींव जमा ली। वास्को डी गामा ने आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो भारत में फूट डालने वाला एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और वो फूट डालने में सफल हुए। फिर द्वारा हमने फिर अखंड भारत की आवाज लगाई इंकलाब जिंदाबाद के नाम से, हम फिर इकट्ठे हुए, फिर हम अब आज़ाद हो गए। आज अपन एक राष्ट्रीय एकता पर नहीं बैठे हैं, हम आज जैन एकता पर बैठे हैं। जो 2000 वर्ष पहले राष्ट्र में संकट था वही आज जैन समाज पर संकट है। जैन समाज एक छोटी समाज होकर के भी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ती जा रही, और बांटने वाले सफल हो रहे हैं, और हम बढ़ते जा रहे हैं। वो आइडिया कुछ भी हो, कभी पंथ के नाम पर, कभी वैमनस के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाई भाई के नाम पर, कहीं धर्म की आमनाओं को लेकर, कहीं अपने विचारों को लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने समझा कि ये भारत के लोग हैं, और ख़ास तौर से ये सागर के लोग हैं, क्योंकि हम सागर ही में बैठे हैं ना, तो काहे को दूसरे की बात करें, अपने यहीं की बात करें ना। ये सागर के लोग हैं, ये भली एक हैं, लेकिन एक दूसरे की यदि बुराई की बात आए तो ये टूट जाएंगे। तीनों लोग सागर के थे, अखंड था, संगठन था, कोई भी दुनिया का व्यक्ति उनकी तरफ कुछ भी नहीं कर सकता। एक अंग्रेज नीति वाला था उस बगीचे का मालिक, उसने दो लोगों को बुलाया, बामन को और बनिया को। बोले तुम लोग तो खूब खाओ आम, बनिया से कहा कि तुम तो खूब खाओ, तुम तो साहूकार हो, तुम तो हमारे हमेशा काम आते हो, बीज भी लेना तो तुमसे लेना, साहूकार तुम तो खूब खाओ।
और वामन देवता आपको तो कोई बाधा ही नहीं है, आप खूब खाइए। तीसरा व्यक्ति था, उन दोनों से कहा बस ये आम क्यों खा रहा है, इसकी तकलीफ है हमें, ये क्यों खा रहा है, ये तो कभी किसी का मीत हुआ ही नहीं है, तुम दोनों के लिए मना नहीं है, तुम तो दोनों खूब जम के खाओ जितने खाना है। उन दोनों लोगों ने कहा अपन को तो मना नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा निपटाए इसको, हमें क्या लेना, हमें मत रोकना, ध्यान रखना, अरे तुम तो खूब खाओ साहब। तो मालिक, वो बगीचे का मालिक गया और तीसरे व्यक्ति की अच्छी जम की धुलाई की और तू खाता है, बोलो अरे वो तो मेरे साहूकार हैं, वो तो मेरे ब्राह्मण हैं, पिटके चला गया। अब बचे कितने, दो में से बगीचे वाले ने कहा ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता तुम तो देवता हो, तुम तो खाओगे तो पुण्य लगेगा, बनिया क्यों खा रहा है, ये तो कभी भी एक रुपया देता है उसके ऊपर पहले ब्याज लिख देता है। वो दोनों एक थे, बोल नहीं सकते थे दोनों। बामन कहता अच्छा मुझे तो नहीं रोका, अरे तुम तो खूब खाओ साहब बामन देवता, ये बनिया क्यों खा रहा है, तो हमेशा हर चीज पर ब्याज लेता है। तो बोले निपटा इसको, तो उसने जम के बनिया को ठोक ठाक के बाहर भगा दिया। अब मकान बगीचे का मालिक कहता अब बामन तुम अकेले बचो, आ जाओ। पता चला कि तीनों को निपटा करके भगा दिया। आज हमारे घर की, आज हमारे समाज की, आज हमारे देश की यही दुर्दशा हो रही है, खास तौर में जैनियों की। वे छोटी जातियां एक हो रही हैं। मैंने राजस्थान में देखा, मैना गुजर एक है, एक आबाद पर सारे गुजर इकट्ठे होकर के जिस रेलवे को कोई नहीं रोक पाता उन गुजरों ने रोक दिया। जाट एक है, गुजर एक है, मैना एक है, आज सब एक है। माँ जैनियों के लिए विचारणीय विषय है, अपन सबको चेतना पड़ेगा। विवाद के विषय विवाद के अंदर रहने दो, जहाँ पर हमारी बाहरी शक्तियों से निपटने की बात आए तो वहाँ हम सबको एक रहना चाहिए। हम अपने घर में अपने अपने कमरे में जाते हैं, जाएं कोई आपत्ति नहीं है, सभी भाई अपने अपने कमरों में जाते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद सभी भाइयों का आंगन एक होना चाहिए। कमरों के दरवाजे अलग हों लेकिन मकान का दरवाजा एक होना चाहिए। कमरे के दरवाजे अलग हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मकान का दरवाजा एक होना चाहिए। और जब हम सड़क पे आए सभी के दरवाजे एक होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा पुराने समय में हम जितने पुराने शहर घूमते हैं जैनियों का मोहल्ला एक अलग ही होता था, उसमें महा जैनी ही रहते थे। जयपुर जैसा महाशहर है, जैनियों का मोहल्ला अलग ही, वो जैनियों का मोहल्ला ही कहलाता था, एक साथ जैनी रहते थे। और प्रत्येक राजा जैनियों को नगर के मध्य में रखता था, बीचों बीच रखता था। और आज जैनियों का मोहल्ला एक नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनी कॉलोनी में बढ़ गए, 10 घर किसी दूसरे के मिलते हैं तब कोई एक जैनी का। जैनियों का जो एक मोहल्ला होता था वो आज एक मोहल्ला कोई भी नहीं कह सकते हैं, इस मोहल्ले में जैनी के अलावा कोई नहीं रहता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है प्लाट का फ्लैट का। तो हम वहाँ से टूटना शुरू हुए और अब आज तो हम बहुत सारे चीज़ों में भोग रहे हैं। सागर में भी ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता थे, मूछें थी और वो आ जाते थे, समझ लेते हैं पूरा सागर आ गया। और वो इतने विशाल हृदय वाले थे, जैसे अभी गुड्डू बाबू बोल रहे थे, इतने विशाल हृदय वाले थे कि हर जैनी के लिए वो गले लगाते थे, हर जैनी का दुख दर्द सुनते थे। हमारे भारत के भी नेता थे,
उस समय नेता थे साहू जी वगैरह थे, साहू श्रीराम प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी। एक आवाज़ दिल्ली से निकलती थी, सारा भारत बिना सोचे समझे जैनी उस आवाज़ को सुरधारी करते थे और उस आवाज़ पे चलते थे। लेकिन आज अपने दुर्भाग्य से कहो, किसी अपनी कमी से कहो, आज हर व्यक्ति नेता है, नागरिक तो कोई है ही नहीं। नागरिक तो कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति नेता की स्थिति में आ रहा है। अपन बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सड़कों पर घूमते हैं, तुम लोग गाड़ियों पर चलते हो। हम लोग जब सड़कों पर घूमते हैं, पैदल विहार करते हैं, तब जैनियों की जो दुर्दशा देखते हैं, हम लोगों के भी हृदय कांप जाते हैं। गांव-गांव में जाकर के जब देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, ऐसा एक गांव नहीं जहां जैनियों का कोई ना कोई शोषण ना हो रहा हो। कोई रस मतलब नहीं है मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। इस संगठन का मुख्य कार्य है मंदिर के बाहर सैनिक बनकर के मोर्चा लेना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं कौन महाराज हैं कौन नहीं है। ये इनके महाराज के भक्त हैं, ये इनके महाराज के भक्त हैं, ये इस ट्रस्ट वाले हैं, ये इस कॉलोनी वाले हैं, ये नहीं। इस संगठन में कोई लेना देना नहीं, अपन को उन मुद्दों को लेना है चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो ऐसा यदि अपन विचार लेके चलेंगे, अंतरंग बातों के ऊपर विचार न करें, अंतरंग चर्चाओं पर न चलें, भाई भाई के अंदर क्या हो रहा है उस घर में प्रवेश न करें, बाहर देखें कि सड़क पर हम सब जैनी एक हैं। राजनीति की बात आए तो दिगंबर श्वेतांबर एक हैं, जब धर्म की बात आए तो दिगंबर दिगंबर एक हैं, और जब घर की बात आए तो हम भाई भाई एक हैं। सबकी सीमाएं अलग रहे। अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक के दायरे को अपन को पूर्णतः हर व्यक्ति को परिचित कराना है, क्योंकि अल्पसंख्यक हमारे लिए बहुत बड़ा कवच होगा। दूसरी बात, जहां अभी गरीबों की बात कही थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें कुछ नहीं कर पाते। मैंने बड़े बड़े फंड बना के देख लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाते जो सही में गरीब हैं, जो वस्तुतः गरीब हैं उनके लिए। तो 48 घर मिलकर के उन दो घरों के बच्चों को गोद में ले लेते हैं और आज ऊंचाई तक पढ़ रहे हैं। हम क्यों ना इस इकाई के माध्यम से संकल्प करें। कानूनी बड़ी लग रही है तो मोहल्ले से करें। आज एकता संघ का हर व्यक्ति जिस मोहल्ले में रहता हो, जो उसका पार्षद क्षेत्र हो, मात्र पार्षद क्षेत्र का संकल्प कर ले कि मेरे पार्षद क्षेत्र में जो भी जैनी अच्छे नंबर लाएगा और उसकी पढ़ाई का खर्चा हम पूरे उस पार्षद में रहने वाले उठाएंगे। एक छोटा सा कर लो, आप अपने मोहल्ले का कर लो। हमारे मोहल्ले में कोई बिना पढ़ा जैनी नहीं रहेगा, हमारे मोहल्ले में कोई बिना दवाई के नहीं मरेगा। यदि दवाई है तो उनको दवाई मिलेगी। अपने मोहल्ले का कर लो, अपने पार्षद क्षेत्र का कर लो, अपनी कॉलोनी का कर लो। एक छोटी छोटी इकाई में यदि हम बांटेंगे तो हम पूरे भारत में छा जाएंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो सहायता ना हो। क्योंकि जब तुम अपने मोहल्ले में करोगे तो बेईमानी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम उससे अच्छी तरह परिचित। कोई बेईमान नहीं कर पाएगा, सब एक दूसरे को सब जानते हैं। मान लीजिए आपने पार्षद क्षेत्र ले लिया, पार्षद क्षेत्र में कितने 100 घर होंगे, 100-200 घर होंगे। अब उन सबको आप जानते हैं और आपको मालूम है कि वस्तुतः ये परेशान है, गरीब है, तो उसके लिए आप लोग गोद में उठाने का प्रयास करें। तो ये चीज़ें जो अभी बोली गई हैं इनमें अपन सफल प्राप्त कर लेंगे। अपन चाहें कि अंतर्राष्ट्रीय कोई फंड हो, अरबों रुपए का बना दोगे तो भी कम पड़ जाएगा, ध्यान रखना। कितनी बड़ा फंड बना देना उन ओरिजिनल लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो वस्तुतः परेशान है। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के अपन सब जो एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य है। बहुत आप लोग करें, संगठन बनाएं, हर मंदिर के अंदर आपके इस संबंध में विचार करना है, सोचना है कि हमें कैसे मंदिर से निकलने के बाद। आप लोग मंदिर का ही एक नियम बना लेना, मंदिर के बाद आप 10 मिनट देना शुरू कर दें, क्योंकि आप जैनी हैं, व्यापारी हैं,
आप अलग से संस्था में आना आपके लिए मुश्किल है। आप कोई टाइम ऐसा फिक्स कर लें, सुबह आप मंदिर के लिए आते हैं, जो भी टाइम आपके मंदिर में सूट पड़े, सब लोग मंदिर से निकलने के बाद बाहर एक ध्वज को स्थापित करेंगे प्रतिदिन, उसको स्थायी नहीं रखना, प्रतिदिन लपेट के रख दिया, प्रतिदिन उसको स्थापित किया, और उसके बाद इस ध्वज के लिए अपन को वंदना करना है। और सबसे पहले इस ध्वज के लिए आपको प्रतिदिन फहराने की ज़रूरत नहीं है, स्थापित करना है प्रतिदिन, ध्वजारोहण कहलाता है। ये जो गांठ खोलने वाली परंपरा तो हमारे यहाँ नहीं थी, ये तो अंग्रेजों की देन है, ये अंग्रेजों की देन है। हमारे शास्त्रों में ध्वजारोहण लिखा है, ध्वजा फहराना नहीं लिखा है। ध्वजारोहण का अर्थ होता था ध्वजा को स्थापित करना। शाहपुर वाले पंडित जी अमरचंद जी थे, वे ध्वजारोहण कभी नहीं कराते थे, वे ध्वजा फहराते नहीं थे, ध्वजा कहलाते। चलो आज तो अपन कर लेते हैं, तो ध्वज की स्थापना आप प्रतिदिन एक स्थान बनाएं, ध्वज को लगाएं और उसके सामने खड़े होकर के, आज अभी मैं करा देता हूँ, ऐसे ही हर मंदिर में, हर धर्मशाला में, जहाँ भी तुम्हारा स्थान बनता हो वहाँ करें, ध्वजारोहण वाले मात्र खड़े हो जाएं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। यह बोल बोल करके ध्वजा को रोहण करना है। आप ध्वजा को फहरा दें, हाँ खोल दें, ध्वजा खोल दें। आप जिस समय ध्वजा स्थापित हो आप सबको खड़े होना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभी ध्वजा सावधान की स्थिति में खड़े होना है और सबके हाथ जुड़े रहना चाहिए, और हाथ ऊपर नहीं हो, आपके दोनों हाथ सीने पर हो, आपके जो अंगूठे हैं ये सीना की अंतिम हड्डी पर टच होना चाहिए, मेरी तरफ देख सकते हैं ऐसे, और ये दोनों टहनी आपकी सीधी रहना चाहिए, स्टैंड ऐसे ये होना, और सीना पर आपका अंधो यहाँ नहीं, मुंह के बाहर नहीं, ऐसे होना चाहिए, सीना के पास अंतिम हड्डी, छाती की अंतिम हड्डी पर आपका अंगूठा टच होना चाहिए, और आपकी अंजलि सीधी होना चाहिए, ऐसी नहीं, मेरी तरफ देखो, आपकी अंजलि बिल्कुल अपने मुंह की तरफ हो सीधी। अभी भी कुछ लोग नहीं देख पा रहे, मेरी तरफ देखें, सीना से अपने पेट को लगाएं अपनी अंजलि को, और ऐसे करें सीधी, यूँ सीधी होना चाहिए, ऐसे नहीं, सीधी यूँ होना चाहिए, महिला पुरुष सभी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तीन बार नारा बोला जाएगा, यहाँ से बोलेगा कि जैनम जयतु शासनम, तो आपकी गर्दन ऊंची रहना चाहिए, वंदे भरत भारतम, जब बोला जाए आपकी गर्दन नीची हो, कब तक नीची रहे, जब तक आप स्वयं न बोल लें। यहाँ से बोला जाएगा, मेरे तरफ देखना, अभी आप करना नहीं, जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम जैनम जयतु, तो जैनम जयतु शासनम पर आपकी गर्दन ऊँची उठना चाहिए, वंदे भरत भारतम पे आपकी गर्दन नीचे होना चाहिए। यहाँ से बोला जाएगा, आपको उसको रिपीट करना है सावधान, और आपकी दृष्टि ध्वजा की तरफ हो, जैनम जयतु शासनम, आपकी गर्दन नहीं झुकी है, एकदम ऐसे झुकना चाहिए जैसे मुल्लों के नवाज के झुकती है, एक साथ जैनम जयतु शासन बोलें, जब गर्दन सीधी रहे, वंदे भरत भारतम आपको बोलना है, और बोलते हुए आपकी सबकी गर्दन नीचे होना चाहिए, जब तक भारतम माँ शब्द ना निकल जाए, जैनम जयतु शासनम, ऊपर करें फिर से, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जैनम जयतु शासनम, थोड़ा गर्दन कई लोगों ने कम झुकाई है, फिर से ऊपर करें सावधान, जैनम, एक रुके रुके मैं बोल रहा हूँ, रुके 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 रुके, ओम शांति। आप थक गए क्या, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे करो ना, कोई किसी शादी विवाह में खड़े हो क्या, ध्वजा का है
ये ध्वजा ऐसी होना चाहिए चक्कर खा के गिर जाओ लेकिन अटेंशन नहीं छूटना चाहिए। जैसे राष्ट्र ध्वज होता है ना, जन गण मन अधिनायक जय हो, ऐसे करके आपको खड़े रहना चाहिए और एकदम सीधे जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जैन शासन एकता, जैन शासन एकता, जैन शासन एकता, इसमें आपको हाथ उठाना है, जैन दाया हाथ। जैन शासन एकता, जैन शासन एकता, जैन शासन एकता, और वहीं हाथ जोड़ पर लाना है और अंतिम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे अब कायस्वर मुद्रा में। अटेंशन, अब आप बिल्कुल पद्मासन स्थान में रीढ़ को सीधी करके बैठ जाएं, घुटनों पर पैर रखें, हाथ रखने घुटनों पर दोनों को जैसे मैं रखे हुआ हूँ, मेरी तरफ देख लें, प्रार्थना। मेरी भावना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भावना सन 1947 के लिए देश के लिए लिखी गई थी, लेकिन चूंकि बड़ी थी इसलिए नहीं मंजूर हो पाई। अपन उसको जीवित करें। आज 50-70-75 साल पहले किसी कवि ने ये भावना राष्ट्र के लिए लिखी थी, उसे मालूम नहीं था कि एक दिन ये भावना जैन समाज के काम आएगी। आज उसी भावना के लिए अपन, मेरी भावना, जीते सब जग जान लिया जीवों को मोक्ष मा, अटेंशन, उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से फेरते हो चित उसी में लीन रहे, विषयों की आस नहीं जिसमें साम्य भाव धन रखते हो, निश्चय में साधन में जो निश्चय दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं की जैसी चर्या में चित सदा अनुरक्त रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन्य बनिता पर न लुभाऊं संतोषामृत पिया करूं, अहंकार का भाव न रखो नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं स्वभाव डरूं, रहे भाव बिना ऐसी मेरी सरल सत्व हार करूं, जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, ने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न डिग पद न पावे, हो कर सुख में मगन न भूलू दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक अपनी से नहीं भय खावे, रहे अडोल कंप निरंतर यह मन तृण तर मन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे,
वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कर दुष्कर हो जावे। फैले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करे। हाथ उठा के जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, कलौ 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 जिन शासन एकता, जिन शासन एकता, जिन शासन एकता। जब भी हमने संगठन बनाए अंग्रेजों ने कुचला, यदि ये कुचलने से डर जाते तो आज सुभाष चंद्र बोस, आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि इन लोगों के क्या हाल होते। आज भी जलियांवाला कांड हो रहा होता, जलियांवाला कांड होता रहा, पाल जैसे कांड होते रहे और हमारे भारत का एकता का शंखनाद भी आगे बढ़ता रहा। तो आज तुम इसके नकारात्मक सोचों पर बच जाओ, पॉजिटिव सोचो। आज तुम्हारी थिंकिंग होना चाहिए नकारात्मक कुछ नहीं, इससे नुकसान कितने हैं इस पर विचार नहीं करना। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग, दो चीज़ें। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, इस एकता संघ का नारा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद पावर थिंकिंग। धर्म ही हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हम भी धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म जो भी आपकी व्यवस्था हो वो आप गाइड करें। और एक जो मानसिक क्रांति के लिए आपको एक सूत्र दिया है आज हमने, पावर थिंकिंग के बाद, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद पावर थिंकिंग की तरफ अपन को बढ़ना है। अपन नकारात्मक थिंकिंग में ना जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं और क्रिया में, सोच में पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिया में पावर थिंकिंग। यदि ये सूत्र तुम लेके चलोगे तो एक दिन या एकता संघ भारत में सारे जैन समाज को ऐसा झंडा ऊंचा करेगा कि स्वर्ग के देवता भी सोचेंगे कि यहाँ भारत में कुछ एकता है। इसके शपथ का जो रूप रहेगा, अभी तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, आप लोग अपनी अपनी इकाइयों में जो नया सदस्य बनेगा वह दीप प्रज्वलन कराएंगे। दीप पे हाथ नहीं रखना, दीप को क्या करना, अपन को दीप प्रज्वलित करा के वो हाथ में लेगा और ये तीन नारे लगाएगा। जो नया सदस्य बनेगा आपकी इकाई में उसके हाथ में दीप जला करके, जो आपका मुखिया रहेगा वो दीप जला कर उसके हाथ में देगा और वो नारा लगाएगा, जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम कलौ जिन शासन एकता। ये तीन नारे लगा करके वो दीपक की साक्षी ले गए। यही इस संगठन का शपथ विधि होगी नए सदस्य। तो बस आप अपनी शपथ लें, हाथ जोड़ लें अपने। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ भारत की इकाई सागर का सेवक हूँ। संघ के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समाज उत्थान के लिए दिए गए दायित्वों का पूरी ईमानदारी से एवं निष्ठा से संघ के प्रति समर्पण कार्य करूंगा।